इस वीडियो में मैं आपको पिस्टन पे रिंग की एडजस्टमेंट करना सिखाऊंगा। और ये हमारा पिस्टन है, नया है, तो इसी पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये इनलेट साइड, ये एग्जॉस्ट। इनलेट के वैल्व बड़े होते हैं, एग्जॉस्ट के छोटे होते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्म होते हैं। इस कारण से एरो का मतलब है ये एग्जॉस्ट की तरफ रहता है, इंजन के सामने। इस मॉडल में तो ये इसी तरह रहता है, पल्सर 135 में। बाकी आपकी बाइक का आप देख सकते हैं, ये गजन पिन रहती है इसकी। चलो मैं आपको पहले रिंग लगाना सिखाऊंगा। इस पर कई तरीके होते हैं अलग अलग लोगों के, आपने बहुत इसमें आप कंफ्यूज हो जाते होगे कि कितने, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मैं आपको सारे तरीके इस वीडियो में बताऊंगा और अलग अलग खासियतें बताऊंगा मैं कि किस सेटिंग से क्या होता है। आप ये देख पा रहे हैं, इस पे नाम नंबर लिखा होता है, ये रहा। ये टॉप वन रिंग है हमारा, आप उम्मीद है देख पा रहे होंगे। इसको मैं पोंछ लेता हूँ थोड़ा, ताकि ये दिख पाए आपको। ये रहा, ये टॉप वन रिंग है, ये टॉप वन ये कुछ लिखा होता है। तो ये जो लिखा हुआ होता है, ये हमेशा हमें ऊपर रखना होता है इस तरह, ठीक है। टॉप वन सबसे ऊपर आएगा, सबसे ऊपर यानी कि ये वाला जो खांचा है ऊपर, ये यहाँ पर बैठता है। टॉप टू ये है, टॉप टू हमारा डार्क कलर का होता है, ब्लैक कलर का होगा ये। और ये भी ऊपर नाम पढ़ने में आना चाहिए, ये भी ये वाला इस खांचे में बैठेगा, ये वाला खांचा, दूसरा खांचा। बाकी इसके बाद हमारे ये ऑयल रिंग होते हैं, ऑयल एक्सपेंडर रिंग कहते हैं इसको। तो और ये इसके ऑयल के रिंग्स होते हैं, ये एक ही खांचे में बैठते हैं। ये इसे चढ़ा के दिखाते हैं किस तरह। और इन रिंग्स को बहुत ही आपको आराम से चढ़ाना होता है, ये नहीं तो टूट जाएंगे। ये कास्ट आयरन होता है, बहुत हार्ड मटेरियल होता है। और कोशिश करो, कई लोग आपको इस तरह दिखाएंगे ऐसे साइड से डाल के, उस तरह मत चढ़ाओ इसको, ऐसे करके, ऐसे करके आप गोल गोल घुमा के, उससे बहुत गलत है। इसको सबसे पहले टॉप टू रिंग लगा लेते हैं, क्योंकि वो आसान पड़ेगा उस तरीके से करेंगे। तो ये नाम आपको ऊपर पढ़ लो, नाम ऊपर देखना चाहिए। एग्जॉस्ट की तरफ रखता हूँ मैं टॉप टू रिंग को, बहुत ही सावधानी से लगाना है। ये लो, ये बैठ गया और ये फ्रीली घूमना चाहिए, अटकावा नहीं होना चाहिए। ये हमारा टॉप वन रिंग है, आप देख पा रहे होंगे, ये रहा टॉप वन। टॉप वन चमकदार होता है, टॉप टू काले रंग का होता है। ये लो, ये इस तरह लग गया। पहला हम मैं यहाँ रखता हूँ इनटेक की तरफ, दूसरे का जोड़ यहाँ रखता हूँ एग्जॉस्ट की तरफ। अब आते हैं ऑयल एक्सपेंडर रिंग पे, ठीक है। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, ये उल्टा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ये आपका डब्ल्यू बन जाएगा और ये फिर ऑयल बहुत ज़्यादा लेगा। हमें इस तरह नहीं करना है, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू नहीं बनाना, एम बनाना है इस तरह। पिस्टन ऊपर रखते हुए इस तरह हम लगाएंगे इसको। मैं एग्जॉस्ट की तरफ रखता हूँ, हर किसी का अपना तरीका है, ये पहला मेथड मैं बता रहा हूँ आपको। और ये जो है, ये रिंग है, इसको आप इस तरह करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह है। इसकी गोलाई इस तरह जा रही है, ये ऐसे बैठाएंगे हम इसको, ये ऊपर लगाएंगे क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है हमारा, ये ऐसे लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा इसका जोड़। हम कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं कि एक इस तरफ रख दिया, एक इस तरफ रख दिया। तो मैं तो इसको एक इस तरफ रख देता हूँ, एक इस तरफ रख देता हूँ। जनरली मुझे यही सही लगता है, क्योंकि चलते चलते थोड़ा बहुत घूम जाते हैं। कोई भी, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी जो
रिंग है उसका साइड में नहीं रखना। यह हिस्सा हमारा वीक होता है पिस्टन का, यहाँ पर कोई भी जोड़ किसी भी रिंग का नहीं आएगा, सिर्फ इस हिस्से में रखना है। तो आप यहाँ से लेकर इतना और यहाँ से इतना, तो या तो आप इसको यहाँ कर सकते हो, एक को दूसरे को यहाँ कर लिया, वो आपकी इच्छा है। ये मैंने बताया, इसको मैं लगा देता हूँ पहले। ये देखो, ये बड़ा ध्यान रखना है कि कोई भी रिंग अटके ना, थोड़ा मेरा अटक गया था क्योंकि ये जो ऑयल एक्सपेंडर रिंग है हल्का सा अटक सकता है इनमें, तो ये दबा के देख लें आप आराम से। इसका मैं अपना आपको लॉजिक दे देता हूँ मैं ऐसा क्यों रखता हूँ। टॉप वन एग्जॉस्ट से ऑपोजिट रखना कई लोग पसंद करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो टॉप वन और टॉप टू को सबसे ज़्यादा दूरी पे मैं कोशिश करता हूँ रख पाऊँ। उसके बाद अगर ये रिंग्स ऑयल के ऊपर नीचे आ भी जाए, एक तरफ भी घूम घूम के, तो फिर भी ऑयल नहीं जलाएगी गाड़ी, क्योंकि यहाँ जॉइंट नहीं है, यहाँ ऑयल स्क्रेपर रिंग होता है। ये तो सेकेंड वाला है, ये टॉप टू रिंग, तो यहाँ पर जॉइंट नहीं है उसका, तो ऑयल नहीं जलने देगा, जॉइंट सिर्फ इसका है। तो ये तरीका है, ये मेरा लॉजिक है, अगर आप सही लगता है बताओ। कई मैकेनिक ज़्यादातर मैंने इस तरह करते देखे, और रेस बाइक्स में खास तौर से इसी तरह रखते हैं। दोबारा समझा देता हूँ, एक यहाँ टॉप वन, टॉप टू, अपर ऑयल और लोअर ऑयल। ऑयल एक्सपेंडर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उसको जहाँ मर्जी कर लो, ये ऑयल एक्सपेंडर रिंग जो बीच का होता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात एक ऑल्टरनेट तरीका जो मैंने बताया था, उसमें क्या करते हैं लोग, अपर ऑयल यहाँ रख देते हैं, लोअर ऑयल यहाँ रख देते हैं, दूरी आपस में बढ़ा देते हैं। या फिर आप इसको थोड़ा सा और आप सरका सकते हो, प्लस बना लो इसका चारों, ताकि ये इस तरह आ जाए, चारों जॉइंट एक जगह ना आए। या फिर कंपनी कहती है तीन में भी कर सकते हैं आप, वो आपकी इच्छा है। यही तरीका है, सिंपल सा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पिस्टन में किस तरह लगाएं इसको, मेरी बाइक में नीचे से पिस्टन लगता है और ये किनारी आप देख सकते हैं, इससे बड़े आसानी हो जाती है रिंग लगाने में। तो इसको ऐसे ही आराम से दबा के लग जाता है बहुत इजीली। अगर आपकी बाइक में इस तरह का खांचा नहीं है तो आपको कंप्रेसर टूल लेना पड़ेगा, एक सस्ता ही आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता। तो मैं, ये फ्रंट है हमारा, ये पीछे की साइड है मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है, ये फ्रंट एग्जॉस्ट की तरफ रखेंगे, टाइमिंग चेन हमारी यहाँ चलती है, ये लो। अब एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमारे पिस्टन की जगह ठीक है कि नहीं। इसमें थोड़ा सा तेल लगा लो, इंजन ऑयल लगाना अच्छा होता है, लेकिन अभी मुझे इसे बाइक में नहीं लगाना, इसलिए मैं इसको गियर ऑयल लगा रहा हूँ। गियर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा चिपकता है इंजन ऑयल के मुकाबले, बहुत अच्छे से इसको लगाना है, क्योंकि जब पहली बार आप गाड़ी शुरू करेंगे तो इसमें लुब्रिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो इंजन सीज हो सकता है। वैसे भी जब आप नई पिस्टन, नया सब कुछ रिंग डालेंगे तो ये थोड़ा सा टाइट होगा उसके मुकाबले, थोड़ा सा फैला लेंगे इसको। और एक और चीज़, इसको बिल्कुल साफ़ करना है, इंजन को जितना साफ़ रखोगे ना आप उतना अच्छा काम होगा। गंदे गंदे हाथ मत इस्तेमाल करो इसमें, और धूल मिट्टी से बहुत बचाओ। ये लो, अब दोबारा मैं इसको सेट कर देता हूँ, टॉप वन, टॉप टू, ऑयल का एक यहाँ पर, एक यहाँ कर देते हैं दोबारा। एक चीज़ का ख्याल रखें, ये एक बार अगर लग गया पिस्टन, इसको ऐसे ऐसे घुमाना नहीं है, नहीं तो फिर रिंग आपके वहीं रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा आपका। इसमें भी थोड़ा सा लुब्रिकेशन लगा देता हूँ मैं, एक और बात है, टेबल पे ये जो मैं कर रहा हूँ देख के थोड़ा सा आसान लगेगा आपको, लेकिन जब आप बाइक में लगाओगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि पिस्टन उसमें हमारा ऊपर लगा हुआ होता है, हम ऊपर से इसको बैठाते हैं, क्योंकि मैं इसको इस तरह बैठा के दिखा रहा हूँ आपको, तो ये थोड़ा सा आसान हो सकता है।
ये देखो कितना आराम से चला गया। बहुत हल्की फुल्की एडजस्टमेंट कर सकते हो, बहुत हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं घुमाना है उसको। ये हमारा पिस्टन लग गया, और ये देखो जब आप इसको बाइक में लगाओ तो ऊपर से इसका सारा तेल, खास तौर से इस पे जो लगा है, पोंछ लेना, नहीं तो ये आपका कार्बन जमा करेगा। ये इस तरह पूरा हम कपड़े पोंछ लेंगे। बाइक में शूट करते वक्त मैं इतना नहीं दिखा पाया आपको, क्योंकि उस वक्त मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था, थोड़ी जगह की और कमी थी और अंधेरा भी था वहाँ, तो ये देख सकते हो आप। और एक और चीज़ थी जो कई मैकेनिक चेक करते हैं दिख, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। पिस्टन हम हिला के भी देखते हैं, जैसे गाड़ी में ये लगा हुआ है, हमने खोली है गाड़ी, तो कई सारे मैकेनिक इसको ऐसे हिला के देखते हैं। तो उसके लिए भी एक बात है, अगर आपकी गाड़ी एयर कूल्ड है तो इस तरह पिस्टन हिलेगा थोड़ा सा, वो इसरे हिलेगा। ये देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ ढंग से आपको, ये देख रहे हो, ये हल्का हल्का सा ये हिलेगा, ये ऐसे, ये कितना हिल रहा है। और जबकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, आपके सामने मैंने अनबॉक्सिंग करी है इसकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पिस्टन ढीला है या कुछ है, इसका मतलब ये कि ये एयर कूल्ड है कार, मतलब बाइक। तो जो भी एयर कूल्ड इंजन होगा उसका पिस्टन थोड़ा ढीला होता है, उसकी टॉलरेंसेस कम होती है। जो लिक्विड कूल्ड होता है उसमें ये पिस्टन ऐसे आप हिला हो गए, बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए साइड टू साइड इस तरह, जैसे मैंने अभी आपको ये हिला के दिखाया, ऐसे नहीं हिलेगा लिक्विड कूल्ड में। तो कई मैकेनिक आपको बता रहे हैं, तो ये नहीं बताते कि मैं लिक्विड कूल्ड का बता रहा हूँ कि नहीं, तो मैंने आपको दोनों बता दिया। लिक्विड कूल्ड में ये ऐसे नहीं हिलना चाहिए, अगर हिल रहा है तो ख़त्म है। एयर कूल्ड में ऐसे हिलेगा ये, क्योंकि ये इस तरह बनाए जाते हैं। बस इसमें इतना ही होता है। सबसे मेन चीज़ है जब आप इंजन कोई भी खोलो उसको तसल्ली से काम करो, और हो सके तो फोटो या वीडियोस की बना लो ताकि आपको आसानी हो, कभी आप कोई चीज़ भूल जाओ तो। मैंने कई बार खोली भी है तो इसलिए मुझे आइडिया मिल गया। पहली बार जब मैंने खोला था बहुत ध्यान से देख के करता था मैं, तो अब मुझे आइडिया हो गया है। तो ऐसी आप भी सीख जाओ, बहुत ईजी है ये, कुछ भी नहीं इसमें ज़्यादा आपको लगता। बेसिक टूल्स चाहिए आपको, टूल किट हो गई, जैसे आपके स्पैनर हो गए या सॉकेट सेट हो गया, गोटी पाना, उस तरह की चीज़ें, ज़्यादा नहीं लगती इसमें। लेकिन जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना अपने काम से, बहुत आपको सुकून मिलेगा, खासतौर से जब मैं कभी भी थका हुआ होता हूँ या कुछ होता है, अच्छा लगता है। मतलब आपको एक हॉबी है ये, इस तरह आप कर सकते हो। वेस्ट में तो लोग करते हैं, विदेशी कंट्रीज़ में, हमारे यहाँ थोड़ा लेबर सस्ती है तो हम लोग आलस के मारे हम लेबर से काम करा लेते हैं, तो अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग दुआ है इसमें, बस यही होता है। और इसकी जो गजन पिन होती है ये, इसको भी लगाना होता है। मैं उसकी अगर कभी नेक्स्ट वीडियो होगी कोशिश करूँगा मैं आपको दिखा पाऊँ, वैसे बाकी और भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप उन पे देख सकते हो। लेकिन जो चीज़ मैंने कवर करी है इसमें, ये किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं है, खासतौर से इस बाइक की, क्योंकि ये बाइक बहुत कम बिका था मॉडल, मुझे पता नहीं क्यों। बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन इसका रिव्यू भी मैं दूंगा बाइक का। और वीडियोस के लिए प्लीज़ मुझे ज़रूर आप पूछिए, जो चीज़ आप चाहते हो देखना मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगा।